हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मल्टी हीरोज लाइफ। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे झुर्रियों को दूर करने के बेहद ही आसान और घरेलू उपाय। साथियों, हम इस चैनल में आपके लिए आयुर्वेदिक और घरेलू उपाय लेकर आते हैं और हम जो भी जानकारियां और नुस्खे आपको बताते हैं वे पूरी रिसर्च और एक्सपर्ट्स की राय से होते हैं, ताकि आप हमेशा स्वस्थ और खुशहाल रहें। यदि आप चाहते हैं कि हेल्थ से रिलेटेड जानकारियां आप तक पहुंचती रहें, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। दोस्तों, बढ़ती उम्र के साथ साथ त्वचा की कामनीयता और लोच खत्म होने लगती है और त्वचा पर झुर्रियां पड़ने लगती हैं। हालांकि त्वचा पर पड़ने वाली झुर्रियों का असर बढ़ती उम्र के साथ होना एक सामान्य प्रतिक्रिया है, लेकिन त्वचा की उचित देखभाल द्वारा झुर्रियों को पड़ने की रफ्तार को कम किया जा सकता है तथा चेहरे पर आई हुई झुर्रियों को दूर किया जा सकता है। इसके लिए आयुर्वेद में बहुत ही सारे उपाय दिए गए हैं, उसमें से कुछ आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आप हमारी इस वीडियो को अंत तक देखें और हमारे द्वारा बताए गए इन नुस्खों को अपनाएं, इनसे आपके चेहरे पर आई झुर्रियाँ बेहद दूर हो जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं चेहरे पर आई झुर्रियों को दूर करने के घरेलू उपाय। एक पका हुआ पपीता लेकर उसे काट लें और फिर उसे मैश कर चेहरे पर धीरे धीरे मले तथा 15 से 20 मिनट बाद चेहरे को नॉर्मल पानी से धो लें। इस प्रयोग को लगातार कुछ दिन तक करते रहने से त्वचा की झुर्रियाँ दूर होती है, साथ ही स्किन की रंगत भी निखरती है। दोस्तों, विटामिन ई से झुर्रियाँ मिटती हैं। अंकुरित चना व मूंग में विटामिन ई की भरपूर मात्रा होती है, इसीलिए सुबह शाम अंकुरित अनाज का सेवन करें, इससे झुर्रियाँ आने से बचाव होता है। साथ ही विटामिन ई के कैप्सूल्स भी मार्केट में मिलते हैं, आप इन्हें चाहें तो किसी भी मेडिकल स्टोर से खरीद सकते हैं। विटामिन ई के कैप्सूल से भी आपके चेहरे की रंगत निखरती है। विटामिन ई के कैप्सूल को ऑलिव ऑयल में मिलाकर आप अपने चेहरे पर लगा सकते हैं, इससे झुर्रियाँ दूर होती हैं, साथ ही त्वचा की रंगत भी निखरती है। आधा चम्मच दूध की ठंडी मलाई में नींबू के रस की 4-5 बूंदें मिलाकर रात में सोते समय झुर्रियों वाली त्वचा पर अच्छी तरह से लगाएं, ताकि वह त्वचा में पूरी तरह से समा जाए। आधे घंटे बाद त्वचा को धो लें। लगातार 15-20 दिन तक ये प्रयोग करते रहने से चेहरे की झुर्रियाँ दूर हो जाती हैं तथा रंग भी साफ होता है। दोस्तों, स्नान करने के बाद जैतून के तेल से त्वचा की मालिश करें। उंगलियों के पोरों को तेल में डुबोकर झुर्रियों की विपरीत दिशा में मालिश करें, इससे त्वचा की झुर्रियाँ दूर होंगी। गुनगुने पानी में थोड़ा सा बेसन घोलकर पेस्ट बना लें, इसे चेहरे की त्वचा पर मसल कर त्वचा को साफ कर लें। अब एक चम्मच शहद लेकर त्वचा पर लगाएं। चेहरे पर शहद नीचे से ऊपर की ओर लगाएं। आधे घंटे बाद चेहरा व शहद लगे अन्य भाग को धो लें। दोस्तों, ये प्रयोग लगातार कुछ दिनों तक करते रहने से बढ़ती उम्र के कारण आई हुई झुर्रियाँ दूर होती हैं तथा आपकी रंगत निखरती है और आप जवान दिखते हैं। दोस्तों, कच्चे दूध में रुई का फोहा भिगोकर चेहरे और गर्दन और हाथ पैरों की त्वचा पर 5 से 10 बार लगाएं और धीरे धीरे मालिश करें। 15 से 20 मिनट बाद त्वचा ठंडे पानी से धो लें। निरंतर इस प्रयोग को करते रहने से चेहरे की झुर्रियाँ दूर होती हैं, चेहरे की रंगत निकलती है, जिसके कारण आपकी उम्र कम लगती है और आप जवान दिखते हैं। तो दोस्तों, ये हमने आपको बताया चेहरे पर आई झुर्रियों को दूर करने के बेहद ही आसान और घरेलू उपाय। हमें उम्मीद है हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए लाभदायक होगी। ऐसी ही जानकारियाँ हम आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे। बाय, टेक केयर, बी हैप्पी। धन्यवाद।